एक गंभीर कारण कारित करने वाले लोग हैं। जो हाजीपुर के टीम के द्वारा जो सूचना दी गई उसका हम लोगों ने सत्यापन शुरू किया। सत्यापन के पश्चात देर रात में और अहले सुबह दो अपराधी गुड़लागतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। खबर के हेडलाइन बड़ा खबर बटुए बक्सर जिला से पहले, जिला के हिलावे से पहले, मुथूट फाइनेंस के लूटे से पहले, शेरू सिंह के इशारा में बक्सर में देवे वाला बड़ वारदात के अंजाम के पुलिस कैलस विफल। खबर का बटुए सब कुछ बताई भोजपुरिया समाचार। एसपी साहेब का कहनी उहो सुनाई भोजपुरिया समाचार। आ क जिला के पुलिस पहुँचे वाला भी आ बक्सर जिला में इहो बताई भोजपुरिया समाचार। बस खबर के अंत तक बनल रही, खबर जान ली। बक्सर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृतपुरा से बक्सर पुलिस दूगो अंतर जिला आ अंतर्राज्यीय अपराधी आ एगो बक्सर के युवक के धर दबोचले बिया। जवन स्वर्ण व्यवसायी या मुथूट फाइनेंस जैसन बड़ कंपनी के अपन टारगेट बना के सोना चांदी लूटे के काम ई लोग करत रहे। ई बक्सर में शेरू सिंह कुख्यात शेरू सिंह के इशारा पो कोनो बड़ घटना के अंजाम देवे वाइल रहे लोग। तबे हाजीपुर DIU टीम से मिलल जानकारी पो छापेमारी क के कृतपुरा निवासी दीपक राय समेत दोनों अपराधी के हर हथियार के साथ दबोच लियल गई। अभी तक पुलिस के अनेक राज्य स्टेट के थाना में ई लोग पे 12 गो मामला दर्ज बटुए। सबसे ज़्यादा मामला बिहार के हाजीपुर और समस्तीपुर के अनेक थाना में दर्ज बा। अन्य थाना में भी इनकर आपराधिक इतिहास खंगारल जा रहा बा। पकड़ल गई अपराधी में हाजीपुर बागदुल्हन निवासी अरशद आलम उम्र 30 बरिस पिता मोहम्मद इजहार आलम उर्फ मजनू, हाजीपुर पचरुखी निवासी रंजीत कुमार 30 बरिस पिता श्याम नारायण ठाकुर आ बक्सर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृतपुरा निवासी दीपक राय पिता शिवशंकर राय बतावल जाता रहन। पूछताछ में अपराधी बतावत रहन कि शेरू सिंह जौन फिलहाल बेउर जेल में बंद बने जिनका द्वारा बक्सर दीपक राय के घर भेजल गई आ शेरू सिंह बोलने कि दूगो लड़का के दीपक राय के घर भेजब एगो बड़ घटना के अंजाम देवे के बा। यह योजना के तहत दीपक राय हमनी के अपना दलान में रखले रहन। हमनी के शेरू सिंह के द्वारा भेजल गई बटुए दूगो और लड़का के आवे के इंतजार होत रहे। यही क्रम में पुलिस हर हथियार के साथ रंगे हाथ दबोच लेलस। एक बाद छापेमारी दल के सदस्य के द्वारा सोमवार के कृतपुरा के दीपक राय के भी गिरफ्तार कैल गई। बक्सर SP जानकारी देत बतैनी कि हाजीपुर के DIU के टीम के द्वारा एतवार के बक्सर पुलिस के सूचना दियल गई। सूचना के पुष्टि के लेके मुफस्सिल थाना अध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में एगो छापेमारी दल के गठन कैल गई जौना में DIU शाखा के टीम आ बक्सर पुलिस थाना के पुलिस पदाधिकारी आ बल के शामिल कैल गई। छापेमारी दल के द्वारा दीपक राय के दलान से दूगो व्यक्ति के पकड़ल गई जिनका भीड़ से एगो पिस्टल आ एगो देशी काटा 10 गो जिंदा गोली आ 2 गो मोबाइल बरामद भइल बा। अन्य जिला राज्य के पुलिस पूछताछ छाती बक्सर में आवे वाला बिया। रउरा सबके बता दी कि कृष्णा ब्रह्म में प्रेस वार्ता के दौरान ही SP साहेब इशारा कैले रही कि जवना थाना क्षेत्र में बड़ घटना के खुलासा हो या खुद जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करब ई पहल का शुरुआत हो चुकल बटुए। तो बड़ा वारदात के अंजाम देवे से पहले बक्सर पुलिस ठेठवा दिले बिया आ ललकी कोठरी में एह कुल जना के ढुका दिले बिया। SP साहेब का कहनी सुनी आ दबा के शेयर करी, कमेंट लाइक सब्सक्राइब करके बताई खबर कैसन लागल आ ऐसन अपराधी लोग के कौन सजाई देवे चाहिए रौरा नज़र में बताई सबे सुनी SP के बयान। देर रात में हाजीपुर के DIU के टीम के द्वारा एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना हम लोगों को दी गई हमारे DIU को हम लोगों को कि एक इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट गिरोह आपके यहाँ ठहरा हुआ है और एक दो दिनों के अंदर एक गंभीर कारण कारित करने वाले लोग हैं। जो हाजीपुर के टीम के द्वारा जो सूचना दी गई उसका हम लोगों ने सत्यापन शुरू किया। सत्यापन के पश्चात देर रात में और अहले सुबह दो अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। पुनः हमारे टीम
हाजीपुर के टीम से संपर्क किया और इन लोगों से जो भी बरामद था उसके बारे में उनको अवगत कराया। उन लोगों के द्वारा पहचान किया गया कि ये जो अपराधी हैं अरशद आलम रंजीत कुमार है, जो दोनों कुख्यात अपराधकर्मी हैं। ये अपराधकर्मियों का एक संगठित गिरोह है जो सामान्यतः स्वर्ण व्यवसायियों के यहाँ लूट और मुथूट फाइनेंस जैसे बड़े कंपनियों में सोने चांदी का लूटपाट करते हैं। अभी तक इन लोगों के 12 आपराधिक घटनाओं का जो है कि अभी तक हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है। ये समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, इसके अलावे इंटर स्टेट जिले जैसे जयपुर के जगहों में इन लोगों ने घटना कारित किया है। इनके सिंडिकेट रांची से भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी वहाँ का भी आपराधिक इतिहास हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बक्सर में ये क्यों आए, किस कारण के लिए आए, इसका भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। और अभी वैशाली की टीम हमारे पास हम लोग के सामने इंट्रोगेशन में सहयोग कर रही है और काफ़ी चीज़ें खुल के सामने आ रही है जो अभी अनुसंधान का विषय हम लोगों के लिए। समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर की टीम आने वाली है और बाहर की भी टीम आने वाली है। इनका एक सिंडिकेट है और जो जैसा कि पहले हम लोगों ने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है कि स्वर्ण व्यवसायी और मुथूट फाइनेंस जैसे बड़े कंपनी जहाँ पर सोना का आवाजाही और लेन देन होता है उसको ये टारगेट करते हैं। यहाँ पे आने का वजह यह है कि एक कुख्यात अपराधकर्मी के द्वारा घटना को कारित करने के लिए यहाँ पर भेजा गया था, उस पर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और साथ ही साथ इनके जो भी अन्य सहयोगी हैं उनके बारे में भी तहकीकात करके हम लोग सभी टीम मिलकर जो है कि काम कर रहे हैं। दो अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। पुनः हमारे टीम हाजीपुर के टीम से संपर्क किया और इन लोगों से जो भी बरामद था उसके बारे में उनको अवगत कराया। उन लोगों के द्वारा पहचान किया गया कि ये जो अपराधी हैं अरशद आलम रंजीत कुमार हैं, जो दोनों कुख्यात अपराधकर्मी हैं। ये अपराधकर्मियों का एक संगठित गिरोह है जो सामान्यतः स्वर्ण व्यवसायियों के यहाँ लूट और मुथूट फाइनेंस जैसे बड़ी कंपनियों में सोने चांदी का लूटपाट करते हैं। अभी तक इन लोगों के 12 आपराधिक घटनाओं का जो है कि अभी तक हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है। ये समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, इसके अलावे इंटर स्टेट जिले जैसे जयपुर के जगहों में इन लोगों ने घटना कारित किया है। इनके सिंडिकेट रांची से भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी वहाँ का भी आपराधिक इतिहास हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बक्सर में ये क्यों आए, किस कारण के लिए आए, इसका भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं।